हे गाइस वेलकम टू डार्क गेमर। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पोकेमोन स्ट्रॉन्गर के लिए मास्टर बॉल का चीट कोड। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना बिना स्किप किए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैंने जितने भी चीट कोड यूज़ किए हैं वो सभी चीट कोड आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। तो चीट कोड के लिए एक बार डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट जरूर से चेक कर लेना। तो गाइस सबसे पहले तो आपको एक पेज सेव कर लेना है। पेज सेव करने के बाद में आपको जाना है चीट कोड वाले सेक्शन में और न्यू चीट पर टाइप करके आपको चीट कोड ऐड कर लेना है। तो मैं जल्दी से आपको चीट कोड ऐड करके दिखा देता हूँ। तो चीट कोड ऐड करने के बाद में आपको करना है उसको इनेबल और फिर बैक वाले बटन को दबा देना है और फिर आप किसी भी पीसी को यूज़ कर सकते हो। तो अभी तो मैं जो होम में जो पीसी होता है मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ। तो अब आपको करना है पीसी को बूट। पीसी को बूट करने के बाद में आपको जाना है आइटम स्टोरेज में और फिर जाना है आपको विड्रॉ आइटम में। और यहाँ पर आपको मास्टर बॉल दिख रहे होंगे तो फिर आपको करना है इनको विड्रॉ। तो जल्दी से मैं आपको इनको विड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो मैंने मास्टर बॉल विड्रॉ कर लिए हैं। तो अब मैं जल्दी से आपको इनको यूज़ करके दिखा देता हूं। तो गाइस जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो ये वाली मास्टर बॉल बिल्कुल वर्क करती हैं और ये बिल्कुल रियल हैं। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में आ रहे बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लो और 10K करवा दो कम्प्लीट जल्दी से। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दो। तो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।